हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायोलॉजी में, क्लास 10 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। क्योंकि सेकेंड चैप्टर हम लोग के सिलेबस से बाहर निकल चुका है, क्योंकि आप जानते हैं सिलेबस से 30% जो सिलेबस है वो निकल गया है, तो इसलिए सेकेंड चैप्टर भी बायो का रिमूव हो गया है। इसलिए फर्स्ट के बाद हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, रिप्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है जो बिल्कुल उसके तरह होता है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू इट्स ओन काइंड, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसे, बिल्कुल हूबहू अपने जैसे एक नए बच्चे को जन्म देता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमंस में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या फिर बहुत ही बड़े एलिफेंट हो, वेल हो, कोई भी हो, सभी में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। एवरी लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग थिंग हो उसमें रिप्रोडक्शन जरूर होगा। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गए, ये सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन अब क्यों जरूरी है? क्योंकि रिप्रोडक्शन से किसी भी स्पीशीज की मेंटेनेंस होती है, यानी कि वो स्पीशीज अर्थ पे पाए जा सकते हैं। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो वो क्या होगा, वो स्पीशीज जो है फिर अर्थ से गायब हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि डायनासोर गायब हो गया, तो इसलिए रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने टाइप्स की रिप्रोडक्शन होते हैं? बेसिकली 3 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। 3 तरह की रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इसमें देखिए, किसी भी एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी, मेल और फीमेल में से कोई एक पेरेंट जरूरी होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों पेरेंट्स की आवश्यकता होगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें केवल, इसमें जो होता है फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स या गैमेट्स नहीं होता है, यानी कि जो सेक्स सेल्स होते हैं वो इसमें फ्यूज नहीं होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, गैमेट्स यानी कि सेक्स सेल्स का फ्यूजन नहीं होता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट क्या होता है? एनिमल्स में मेल गैमेट स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट ओवा या ओवम या एग कह सकते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का फ्यूजन नहीं होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो इसलिए इसमें ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। अब आगे देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे दैट इज इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स। तो अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। इसके कई सारे टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उन सब के टाइप्स हमें पढ़ने हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला टाइप है फिशन। ठीक है, फिशन पढ़ना है। तो फिशन में क्या होता है कि फिशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो दो या उससे ज़्यादा पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका बॉडी दो या उससे ज़्यादा पार्ट में अगर स्प्लिट हो जा रहा है तो उसे हम फिशन कहेंगे। अब देखिए, फिशन कितने टाइप्स के होते हैं? फिशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। तो बाइनरी, बाई मतलब आप जान रहे हैं यहाँ पे कि दो, बाई मतलब होता है 2, फिशन मतलब होता है स्प्लिट यानी कि टूटना। तो ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी अगर 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है और उन दोनों पार्ट से एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस तरह की हम लोग फिशन को क्या कहेंगे? बाइनरी फिशन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अमीबा में, अमीबा यहाँ पे बना हुआ है। अब इस अमीबा में बाइनरी फिशन होगा कैसे?
ये न्यूक्लियस है, सबसे पहले इस न्यूक्लियस का कंस्ट्रिक्शन होगा। कंस्ट्रिक्शन मतलब होता है फैलना, ठीक है, या सिकुड़ना कह सकते हैं। तो इस न्यूक्लियस का कंस्ट्रिक्शन होगा धीरे धीरे, और जैसे रबर बैंड को हम लोग खींचते हैं तो एक रबर बैंड दो में टूट जाता है, उसी तरह इसका न्यूक्लियस क्या होगा, खींचेगा और खींच करके दो में टूट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का फिशन हुआ, उसके बाद क्या होगा, इसका सेल मेम्ब्रेन भी ये कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेगा, सेल मेम्ब्रेन भी इसका फैलने लगेगा, और फैलते फैलते क्या होगा कि एक अमीबा जो होगा वो दो अमीबा में प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से बाइनरी फिशन हम लोग देख रहे हैं अमीबा में, कि एक अमीबा दो अमीबा में स्प्लिट हो जाता है। कैसे होता है, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस कंस्ट्रिक्शन होता है और उसके बाद इसका सेल मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट होता है, जिससे कि ये दो डॉटर अमीबाज में स्प्लिट हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन, और ये प्रोसेस अमीबा में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, तो इन सभी में बाइनरी फिशन होता है। अब फिशन का दूसरा टाइप है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।